नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ व्रत की चटपटी और बहुत ही पौष्टिक खिचड़ी। खिचड़ी तो आज से पहले आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इतनी चटपटी और वो भी इतनी ज्यादा हेल्दी, उसकी रेसिपी आज आप देख ही लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको खिचड़ी खाने का मन रोज रोज किया करेगा। इनफैक्ट ये आपके लिए तो हेल्दी है ही, ऐसी पौष्टिक खिचड़ी आप अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाएं, जो हमेशा खाने से नाक चिढ़ाते हैं, तो ये उनकी सेहत भी बनाएगा और उनका स्वाद भी बरकरार रखेगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से चलते हैं किचन में और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको साबूदाना। यहाँ पे मैंने साबूदाने को अच्छे से धो लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना खिल चुका है ये। साबूदाने के साथ आप लेंगे 2 आलू, 2 टमाटर जिनको मैंने काट लिया है, 2 हरी मिर्च जिनको मैंने कट कर लिया है, और कड़ी पत्ता। उसके बाद आप एक पैन ले लीजिए, उसमें देसी घी डाल लीजिए। आप चाहें तो देसी घी की जगह नॉर्मल किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसे ही देसी घी गर्म हो जाए, उसके बाद आप इसमें 1/2 चम्मच जीरे की ऐड कर दीजिए और जीरे को हल्का हल्का भून लीजिए। जैसे ही जीरा हल्का ब्राउन होने लगे, उसके बाद आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए और साथ में कटी हुई टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टमाटर जब तक सॉफ्ट होंगे तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। आप इसको अच्छे से चलाते रहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना स्वाद अनुसार सेंधा नमक, क्योंकि व्रत है ना, तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें और फ्लेवर बढ़ाने के लिए ऐड करूंगी मूंगफली। मूंगफली को मैं इस तरह के ग्रिल पैन में रोस्ट कर लूंगी। आप चाहें तो नॉर्मल तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको घी नहीं डालना, बस बार बार उसको ऐसे हिलाते रहना है। जैसे आप इसको हिलाते रहेंगे तो इससे आपकी मूंगफली लगेगी भी नहीं और वो अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मेरी मूंगफली का धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, वो हल्की ब्राउन हो रही है, तो मतलब वो रोस्ट हो रही है। इस तरीके से आप इसको हिलाते रहिए तो आपको मूंगफली की बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आएगी और आपकी फटाफट से मूंगफली रोस्ट भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको उसको गैस पर लगातार छोड़ना नहीं है, नहीं तो बिना ऑयल के ये जलनी शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मूंगफली मेरी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो मैं दोबारा से अपने नॉनस्टिक पैन को गैस पर रख दूंगी और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके उबली हुई आलू जो थी वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दो से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना खिला हुआ साबूदाना। साबूदाना ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा, तो आपको कम से कम इसको 10 मिनट तक गैस पर पकाना है लो फ्लेम पर। जब आप इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और बार बार हिलाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, साबूदाना अच्छे से गल जाएगा। लेकिन इन बिटवीन आप इसमें मूंगफली भी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मूंगफली भी बहुत अच्छे से फ्लेवर देने लगे और उसका भरपूर स्वाद आपको आए। और ट्रस्ट मी, जब आप इस खिचड़ी को बनाएंगे ना, इसकी इतनी बेहतरीन खुशबू होगी ना कि आपसे रुका नहीं जाएगा। आपको लगेगा फटाफट से ये बन जाए और मैं इसको खा लूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है मूंगफली की, साबूदाने की और साथ में कड़ी पत्ते की। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी और स्वाद भी इसका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको चेक करना है कि साबूदाना गला है या नहीं, तो इस तरीके से आप अपनी उंगली पर साबूदाने का एक दाना लीजिए और उसको दबाकर देखिए। दबाकर जब देखेंगे तो देखिए इस तरीके से वो दब जाएगा। इट मींस आपका साबूदाना अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। तो बस आप इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी साबूदाने की खिचड़ी पौष्टिक भी और स्वादिष्ट भी बनकर तैयार है। आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। देखिए साबूदाने का जो मैंने अपनी उंगली से इसको दबाकर देखा, कितने बढ़िया तरीके से दब गया है ना, यानी गल चुका है।
तो बस मैं तो चली इसको एंजॉय करने, आप भी इसको एंजॉय करो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस किया करो ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ रेसिपी लेकर आऊँ तो टन टन आपके फोन पे घंटी बज जाए और आप उस रेसिपी को बनाकर उसका स्वाद चख सको और अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बना सको। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर वालों को और आपको मेरी खिचड़ी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, बाय, टेक केयर।